श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। धनदायक यंत्र, एक ऐसा यंत्र जिसके निर्माण और तंत्र प्रयोग से धन की कभी कमी आपके जीवन में नहीं रहेगी। मैंने हमेशा बताया है कि सिर्फ मंत्र साधने से तंत्र नहीं चलता है, उसका एक विधान होता है। इस तंत्र में मंत्र नहीं है। मंत्र नहीं है कहने का तात्पर्य यह है कि किसी तरीके का बीज या शाब्दिक मंत्र नहीं है, या ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो कि उच्चारण करना पड़े। मंत्र दो प्रकार का होता है, एक जिसका उच्चारण करना पड़े, एक जिसका उच्चारण ना करना पड़े, उसको लिखकर उसका उच्चारण होता है। तंत्र में दो प्रकार का तंत्र हुआ, एक वो तंत्र जिसमें यंत्र के ऊपर मंत्र के प्रभाव से तंत्र चलाया जाता है, दूसरा वो जिसमें कि मंत्र लिख के यंत्र का निर्माण हो और यंत्र ही सारा फल दे दे। दोनों तंत्र बहुत ही प्रभावी होता है, दूसरा तंत्र बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। मतलब मंत्र अगर लिखित हो ना कि बोला जाए तो वो तंत्र ज़्यादा प्रभावी होता है, और जो बहुत ही गूढ़ काम होता है उनको करने के लिए इस प्रकार का तंत्र का प्रयोग होता है। तो आज हम बात करेंगे धनदायक तंत्र का। धनदायक तंत्र अभी आपके स्क्रीन पर आ रहा है। इस यंत्र को 2100 बार बनाना पड़ता है। 2100 बार बनाने से ये जो है सिद्ध हो जाता है। ये यंत्र आपको बना के टांगना नहीं है, जैसे कि बाकी यंत्रों को आप बनाकर टांगते हैं। इसका एक अपना विधान है। मैंने आपको एक बार बताया था कि मैं आप लोगों को एक ऐसा तंत्र बताऊंगा जिसमें कि अगर आपका पैसा कोई लेकर के बैठ गया है तो आपको वो पैसा मिल जाएगा। तो वो भी इसी प्रकार का तंत्र है। उसमें आप एक कॉपर के बर्तन में कुछ लिख करके, साथ में उस व्यक्ति का नाम लिखकर एक विशेष नक्षत्र में दाब देते हैं तो वो व्यक्ति प्रेशर में आके आपके पैसे को लौटा देता है। उसी तरीके से धन प्राप्ति के लिए ये यंत्र बहुत प्रभावशाली है। तो इसको कैसे करना है, आटा गूंद लेंगे, ठीक है, रोज़, और ये यंत्र कागज़ पर 101 बार बनाएंगे, ठीक है। 101 बार बना करके, मतलब जैसे आपने 101 छोटे छोटे टुकड़े में ये यंत्र बना लिए, उसके बाद आटा के गोले में इसको डाल करके उसको बंद कर देना है, ठीक है। और जहाँ बहता पानी हो, जैसे नदी हो, हाँ, तालाब भी चलता है, तो उस बहते पानी में आपको ये 101 यंत्र जो आटे में बंद है पानी में फेंकना है। ऐसा आपको 21 दिन तक करना है। 21 दिन में टोटल 2100 बार आप 2100 यंत्र आप पानी में फेंक चुके होंगे। सिर्फ इतना मात्र करने से ये यंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। इस यंत्र के सिद्ध होने के बाद आपको कभी भी धन और वैभव की कमी नहीं होगी। इस तंत्र प्रयोग में बहुत ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप इसका प्रयोग जब शुरू करेंगे तो वो एक अच्छा दिन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पंचक में शुरू कर दिया या ऐसे किसी दिन में शुरू कर दिया। शनिवार को आप इसका बिल्कुल ही प्रयोग शुरू नहीं कर सकते हैं। राहु काल में आपको इसका प्रयोग शुरू नहीं करना है, ठीक है। तो हर तरीके से ये आप थोड़ा पंचांग देख लेंगे कि आप शुरुआत इसके अच्छे किसी अच्छे दिन में कर रहे हैं। समय अच्छा होना चाहिए, काल अच्छा होना चाहिए, और रोज़ ये काल देख करके ही ये आप 101 यंत्र बनाएं। इसके बाद सूर्यास्त से पहले इसको जा करके आप नदी में विसर्जित करें। और एक विषय है, जो 101 यंत्र आप बनाएंगे वो एक बार में आपको नदी में नहीं डालना है,
एक एक करके डालिएगा। तालाब में भी डाल रहे हैं तो एक एक करके डालिएगा। ये बिल्कुल ही सिद्ध प्रयोग है। देखिए, इसका अभिप्राय ये होता है कि आप एक यंत्र जो है वो मछलियों को खिलाते हैं, ठीक है, और जब इसको मछलियाँ खाती हैं तो ये यंत्र जो है आपका सिद्ध होने लगता है। भोजन, जब कोई जीव किसी यंत्र को भोग करता है, जैसे जैसे वशीकरण जब होता है तो वशीकरण में जो यंत्र होता है उसको चींटियों को दिया जाता है, तो चींटियाँ जैसे जैसे उस यंत्र को खाती हैं, वो व्यक्ति जिस पे वशीकरण किया गया है उस पे वशीकरण तेज़ होता जाता है। उसी तरीके से कभी कुत्ते को खिलाया जाता है, कभी गौ माता को खिलाया जाता है। उसी प्रकार से इस विशेष धनदायक यंत्र साधना में मछलियों को भोजन कराना और मछली इसका भोग कर ले, इसलिए इसको आटे में मिला के देते हैं। तो जिस तरीके से आप रोज़ 101 दाना देंगे, 101 देते देते 2100 जिस दिन हो जाएगा आपका, ये यंत्र सिद्ध हो जाएगा, और यंत्र सिद्ध होते ही आपको धन की वर्षा होने लगेगी। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधनाएं सीखनी है वो मेरे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। इसके अलावा जिनको भूत प्रेत में इंटरेस्ट है वो मेरी किताब आ हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर Amazon, Flipkart, किसी से भी पूरे विश्व में खरीद सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, अभी US और कनाडा में भी अवेलेबल है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए www.aghortantras.xyz पर जाइएगा तो आपको मेरे अपॉइंटमेंट का लिंक मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।